फिर इसी तरीके से आपका टॉपिक जो है वो एकदम अट्रैक्शन वाला होना चाहिए। आपके टॉपिक में अट्रैक्शन कैसे हो, मैं एक मिसाल के जरिए समझाना चाहता हूँ, यानी उसके अंदर खिंचाव होना चाहिए। हम मौलवियों का टॉपिक क्या होता है, वो किताबी होता है, इसलिए लोग ज्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन आप देखिएगा दूसरे लोगों का जो टॉपिक होता है वो खींचने वाला होता है। अब मैं इसको मिसाल के जरिए समझाना चाहता हूँ ताकि आप उनवान पर भी और टॉपिक पर भी ध्यान दें। आप देख लीजिए सुनन तिर्मिजी किताबुद दावात हदीस नंबर 3428, ये हसन रिवायत है, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बाजार में दाखिल होते तो ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अकेले अल्लाह के सिवा कोई हकीकी और सच्चा माबूद नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए मुल्क बादशाहत है और उसी के लिए हम्द सना हर तरह की तारीफ है। वही जिंदा करता है और वही मारता है, वो जिंदा है कभी नहीं मरेगा, उसी के हाथ में सारी भलाइयां हैं और वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। अब देख लीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस जो बयान की तो इस हदीस के बारे में ये कहा कि अगर कोई ये दुआ पढ़ लेगा तो तीन तरीके से उसके लिए फायदा है। नंबर एक, अल्लाह उसके लिए 10 लाख नेकियां लिख देता है, और जो सुनिएगा 10 लाख नेकियां लिख देता है। नंबर दो, 10 लाख गुना उसके मिटा देता है। नंबर तीन, 10 लाख दर्जे बुलंद कर देता है। तो 10 10 10 कितने हो गए, 30 30 लाख हो गए। तब हम और आप इसका उन्वान क्या रखेंगे, बाजार में जाने की दुआ। हम मौलवी लोगों का ऐसे ही रहता है, लेकिन अट्रैक्शन कैसे पैदा होगा उन्वान में, ये 30 सेकंड लगाओ 30 लाख पाओ। तो अगर ऐसा उन्वान आप रखेंगे और नेट पर देंगे, कहीं भी भेजेंगे, तो लोग बोले अरे 30 सेकंड में 30 लाख, तो फायदा ही फायदा है। तो आपके उन्वान में अट्रैक्शन होना चाहिए, इसलिए खिताबत का फन जो सीखना आपको मदारी बनना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। और हमेशा कोशिश करते रहना पड़ेगा कि कहाँ किसी ने अच्छा उन्वान इस्तेमाल किया, मैं भी इस्तेमाल करूँ, मैं भी ये चीज़ बोलूँ, तो आपका फायदा है। और मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।